तो फ्रेंड्स आपके सामने XMR क्योंकि ये बिल्कुल न्यू ब्रांड और इसके अंदर क्रैश गार्ड और शॉक प्रोटेक्शन बाकी लैमिनेशन वगैरह और बहुत सारे इसके अंदर काम अभी पेंडिंग है, चल रहा है काम इसके अंदर। आपको दिखाते हैं इसके अंदर अभी क्या क्या इसके अंदर हो चुका है और कैसे कैसे इसके अंदर हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्रैश गार्ड इसका ऑलमोस्ट डन हो चुका है, फेयरिंग इसकी फिटमेंट हो रही है और लैमिनेशन का वर्क अभी चालू है इसके अंदर, शॉक प्रोटेक्शन लग चुकी है और भी इसमें एक दो सामान लगने बाकी है अभी इसके अंदर। और फिटमेंट आपको चेकआउट कराता हूँ कि किसकी ना किस तरीके से होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि फिटमेंट कैसे होगी कैसे नहीं, जो आउट मंगाते हैं आउट ऑफ दिल्ली से। ये देखिए ये एक फिटिंग मिलती है आपको अंदर की तरफ कुछ इस तरफ देखने मिल जाती है जब वाइजर खुलता है तो, और एक फिटिंग मिलेगी आपकी देखो इसकी इस तरफ जो कि मिलता है वो प्रॉपर फिटमेंट देख सकते हैं ये इसकी कर दी गई है, और एक फिटमेंट मिलती है आपको इस तरफ, ये होता है आपका प्रॉपर फिटमेंट जो कि आपको देख सकते हैं ये लगा दिया गया इसके अंदर। और ये इसके XMR का जनरल फिटिंग वाला क्रैश गार्ड, बाकी अभी इसका कहीं नहीं बनाया, हमने ही बनाया जब भी बनाया इसके अंदर, और जल्दी इसके अंदर लेटेस्ट वाला मॉडल भी हम अपडेट कर देंगे जब वो बनेगा, क्योंकि एक दिन की गाड़ी चाहिए जिसकी भी, उसके बाद हम इसके अंदर लेटेस्ट वाला क्रैश गार्ड भी लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल आप इसके अंदर एंजॉय करिए कि इसकी क्रैश गार्ड कितना बेनिफिट हो रहा है जो टैंक वाइजर और आपके खुद के लैक्स ये करता है पूरी तरह प्रोटेक्ट। और अभी एक दो काम इसके अंदर और चालू कह रहा हूँ, काम चल रहा है अभी इसके अंदर, करते हैं इस गाड़ी को पैक और साथ में काम कर देखते हैं क्या क्या इसके अंदर होने वाला है, फिर आपको लुक चेकआउट करें कि इसकी कैसी आने वाली है सारा कुछ फिटमेंट होने के बाद। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको कि क्रैश गार्ड कैसे फिट हो रहा था और कैसे कैसे फिट होता है, फिटमेंट मैंने कुछ चेक कराई थी किस तरीके से, अब इसके और लैमिनेशन चेक करा रहा था, अब देख लो इसके अंदर सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। तो सबसे पहले दिखाना चाहूँगा आपको, देख सकते हैं ये इसकी विंगलेट जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है प्रॉपर फिटिंग वाली है, नॉर्मल लोग लगाते हैं पता क्या होता है वो यूँ डांस करते हैं, बट डांस करने ये बिना डांसिंग वाली है, ये स्टेबल वाली है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, ब्लैक कलर की, येलो इसमें नहीं आता इसलिए ब्लैक ही इसके अंदर लगाया गया है। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन जिससे आपका शॉकर और मरगार्ड ये होता पूरी तरह से, और गोल्ड आपका इसलिए लगेगा क्योंकि जो आपकी बाइक का कलर है ना वो आपका येलो, तो इस पर आपका गोल्डन ही अच्छा लगेगा जो येलोइश दिख रहा है, देख सकते लुक भी काफ़ी एनहेंस हो जाता है लगने के बाद, और साथ में सेफ्टी भी हो जाती है पूरी तरीके से। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, पहले दिखाता हूँ आपको देख सकते हैं ये इसका ब्रेक पैनल एक्सटेंडर जो कि आपने देखा BMW वगैरह में लगाते थे हम और एक्सट्रीम में लगाया था अपने, और अब इसके अंदर भी आपका इंस्टॉल कर देगा ब्रेक पैनल एक्सटेंडर क्योंकि इसका जो पैंडल है वो छोटा सा होता है, एक बार दिखाया था लोग चेकआउट कर लो कैसी आती है, ये देखो ये जर्स इतना सा होता है तो इसको एक्सटेंड करने के लगा दिया गया। अब आपका पैर स्किट्स वगैरह नहीं होगा बारिश में तूफान में, चाहे आपके कीचड़ हो चाहे कुछ भी पैर में लग गया हो तो पैर स्किट्स होने का खतरा हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म। और आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं ये प्रोटेपर की आपकी लगा दी गई इसके अंदर जो कि मिलती है आपको गियर रबड़, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई, इससे आपका शूज़ ख़राब नहीं होगा कभी भी। और अब बात करते हैं क्रैश गार्ड की, जो क्रैश गार्ड इसके इंस्टॉल किया गया है ये देखो ये होता प्रॉपर इंटरनल फिटिंग, और ना फिटिंग इसी काफ़ी मजबूत है आप देख सकते हो, और इसकी जो फिटमेंट है एक मिलेगी आपको फ्रंट की तरफ जो कि आप देख सकते हैं सर, और एक मिलती है आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है, और काफ़ी हैवी क्लैंप है जिसके लिए इंस्टॉल्ड है ये, और एक मिलती है आपको इस तरफ, ये इसकी प्रॉपर फिटमेंट क्रैश गार्ड, और दो स्लाइडर दिए हुए हैं इसके अंदर जिससे कभी भी गाड़ी गिरती है ना तो आपके फेयरिंग और आपका TPFC और आपका टैंक और आपके खुद के लैक्स ये होते हैं पूरी तरीके से सेफ। सेम आपको देखने मिलेगा इस तरफ, सेम आपको देखने मिलेगा इस तरफ, और ये जो था ये अभी हमारे पास जितना माल है ये ख़त्म होने के बाद ना हम इसके अंदर लेटेस्ट वाला मॉडल लॉन्च जल्दी ही करने वाले हैं, शायद अगले हफ्ते या 10 दिन में, उसका भी आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा क्योंकि ये डिज़ाइन अब थोड़ा हमने पुराना कर दिया, अब न्यू डिज़ाइन के अंदर लाएंगे ना तो उसकी वीडियो जरूर देखना, अगर चैनल बने रहोगे तो आपको उसकी वीडियो जो आपको जल्दी ही मिलेगी वो भी मिलेगा प्रॉपर फिटिंग जैसे आपको ये प्रॉपर फिटिंग है ना वो। साथ में जिन लोगों को टॉप रैक और सैडल सेट चाहिए तो इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, वो भी लुक चेकआउट कर लें उसकी कैसी आती है, जिनको नीड होती है ना क्रैश गार्ड टॉप रैक सैडल सेट टूरिंग मोड के लिए तो वो भी आपको हमारे पास मिल जाएगा प्रॉपर फिटिंग वाला आपका XMR का ही। और लैमिनेशन मैंने दिखाई थी आपको स्टार्टिंग के अंदर, अब देख लो लैमिनेशन जो थी वो जज करो लगेगी नहीं कि करी है नहीं करी है, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये इसका अंदर का जो कटिंग करी है इसलिए आपके ऊपर से लगा दिया गया टेप इसे रोकने के लिए जिससे कि आगे फ्यूचर में यहाँ से टेप ना निकले, जैसे ओरिजिनल जब लेने जाते हैं ना कंपनी से तो यहाँ पर स्टिकर पर लगी होती है उस तरीके से ये यहाँ पर लगा दी गई है पन्नी, बाकी आप चेक करो इसकी आपको कहीं से भी देखना वो मिलेगा नहीं कि इसमें लैमिनेशन की भी गई है नहीं की गई है, ये आपका प्रॉपर फिटिंग वाली। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती भी है ना तो आपकी हैंड टू हैंड होती है चेंज हमारे पास लैमिनेशन वगैरह, तो उसकी आप टेंशन लेने मत बिल्कुल किसी तरीके से,
और यहाँ पर आकर मुड़ जाऊँगे कम्प्लीट। अब मैं लड़ जाऊँ भैया से, जो भैया की बाइक है उनको कैसा लगा? आइए सर, तो सबसे पहले सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। और कहाँ से आए ये बताइए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, सिद्धार्थ विहार से, और आया राजू भैया के पास। मैंने वीडियो देखी थी और देख के वो क्रैश गार्ड लगाया था, सर्विस सेंटर से मिल नहीं रहा है कहीं भी, वहाँ से बहुत ट्राई करा तो दिक्कत होती है, साइड में गिर जाए, अगला ब्रेक मारते हैं तो गिर जाती है बाइक, तो इसी की वजह से मैं आपके पास आया क्रैश गार्ड लगाने के लिए स्पेशली। और बाकी लेमिनेशन कराइए, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल के, और राजू भैया बहुत बढ़िया है, आप आइए एस के डी मोबाइल पर और यहाँ पर बाइक में काम कराइए अपना। तो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड। और क्रैश गार्ड आपको कहीं मिल ही नहीं सकता? वैसे हमने बनाया सर, नहीं मिलता क्रैश गार्ड, नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत है वहाँ, वो सर्विस सेंटर वाले इसका मेन स्टैंड तक नहीं मंगवा पा रहे हैं। अब लग गया? नहीं लगा, नहीं लगा अभी भी। चलो वो भी मैं जल्दी लाऊंगा, टेंशन मत लो, वो भी करा हुआ XMR के लिए सेंटर शिंगड़ी वीडियो जल्दी लाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है उस पर, क्योंकि हम क्या करते हैं पहले R&D करते हैं कि कैसे अरेंज होता है, नहीं होता तो इसका बनवा देते हैं हम, तो जल्दी जैसे बनेगा तो वो वीडियो आएगी, मिलेगी आपको हमारे चैनल, जो कि मिलेगा राजू भाई SKD के नाम से यूट्यूब पर, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम। तो थैंक यू सर आने के लिए। तो ये गाजियाबाद से आए थे देख सकते हैं आप, तो आपको भी और आना है, कोई सी अपनी बाइक को मॉडिफाइड कराना है तो आप आ सकते हैं दिल्ली के करोल बाग नायवेलन के अंदर, जो कि मिलेगी आपको राजू भाई SKD के नाम से दिल्ली के करोल बाग के अंदर, और आपको बैक साइड मिलेगा 36 नंबर गली, और फ्रंट मिलेगा आपको आर्य समाज रोड है। और एक चीज़ जरूर ध्यान दें, जब भी आप आते हो ना सिर्फ एक हनुमान जी की मूर्ति का ध्यान दें, जो कि मिलेगी गोल चक्कर जनरल मेट्रो स्टेशन अपोजिट, और उनके जस्ट अपोजिट जो आर्य समाज रोड है वहाँ पर आएंगे तो अगले ही चौक पर हमारी शॉप मिल जाती है राजू भाई SKD के नाम से, जो कि हनुमान जी की मूर्ति इस पर लगी होगी बोर्ड पर, वो ध्यान दे दोगे तो समझ लो आप मेरी शॉप पे इजीली पहुँच जाओगे, और मुश्किल से 100 मीटर की रेंज है मेरी शॉप से हनुमान जी की मूर्ति का, तो ये जरूर ध्यान दें। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, एड्रेस भी डला हुआ, लोकेशन भी डली हुई है, आप चाहो तो स्क्रीन से नंबर निकाल सकते हो, फ्लैश वाला नंबर, वहाँ से लोकेशन मंगा सकते हो और आप डायरेक्टली आ सकते हो आपके अपने राजू भाई की शॉप पर। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।